अस्सलाम वालेकुम, बूंदी शहर के मकान नंबर 100 शास्त्री नगर से मोहम्मद रियाज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का सलाम अर्ज है। आज तारीख 9 जून 2023 को हमारा बेटा महजाद आलम उर्फ आदिल बांग्लादेश से MBBS का कोर्स करके आया है। आप उसके हक़ हाल और बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त है। इनके इस 5 साल के सफ़र में बेहतर बात ये रही है कि 4 क्लासमेट्स एक साथ गए और साथ खैरियत से चारों वापस आए। इन्होंने बांग्लादेश के बोगरा शहर के TMSS मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करी। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से डॉक्टर साहिल रज़ा सन ऑफ अहमद रज़ा साहब, डॉक्टर तौफीक मोहम्मद सन ऑफ तौहीद मोहम्मद साहब और डॉक्टर असद सन ऑफ अब्दुल हमीद साहब को मुबारकबाद पेश है। डॉक्टर महजाद आलम उर्फ आदिल का इस्तकबाल मम्मी पापा बड़ी बहन शिबा परवीन, भाई अजमुद्दीन, भाभी शमीम अजमुद्दीन साहब के साहबजादे अयान और भांजे अर्श मलिक ने किया। डॉक्टर महजाद आलम उर्फ आदिल की तरफ से उन सभी मरहूमों को दुआए मगफिरत है और इनकी तरफ से दुआ है कि उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। तो सबसे पहले दुआए मगफिरत वो हैं दादा अली मोहम्मद साहब, दादी हुसैनी, बड़े दादा नूर मोहम्मद साहब, बड़ी दादी भौरी, दोनों बड़े ताया कमरुद्दीन और अब्दुल हकीम, नाना मोहम्मद हाशम साहब, नानी जैतून, छोटे नाना नूर मोहम्मद साहब, बड़े खालू जी नजमुल गनी साहब, मामू साहब अब्दुल सईद साहब और भाई शादाब। डॉक्टर महजाद आलम की तरफ से सलाम अर्ज़ है उन सभी हयात वाले शख्स, हयात वाले सभी लोगों को उनका सलाम अर्ज़ है। वालिद मोहम्मद रियाज, वालदा रोशन आरा, बड़ी बहन शिबा परवीन, बड़े दूल्हा भाई नईम साहब, छोटी बहन ज़ेबा परवीन, छोटे दूल्हा भाई असरारुर रहमान साहब, बड़े पापा अलीमुद्दीन, बड़ी अम्मी हाजरा, ताई हमीदन रियासत, चाचा अब्दुल रज्जाक निज़ामुद्दीन मोइनुद्दीन फरीद, चाची नसरीन चमन शाइना परवीन, भाई बल्लू गुड्डू बाबू, बहने शकीला फरीदन शहनाज अफजल सितारा शाकिरा रानी सना गौरी और तीसरी छोटी बहन, छोटी नानी मामू साहब मोहम्मद हनीफ साहब, अकील मामू साहब, पप्पू मामू साहब, गुड्डू मामू साहब, पिंटू मामू साहब और सभी मुमानीजान और भाई उस्मान भाईजान, बंटी भाईजान, नसीम बाजी, नसरीन बाजी, पिंटू भाईजान, रिंकू भाईजान, मीनू बाजी, बॉबी सैफी, बिट्टू आसिफ, बबली बाजी, रानी बाजी, शबा बाजी, सद्दाम भाई, जायरा बाजी, शाबरा बाजी, रूबी बाजी, शैली बाजी, भीलवाड़ा वाली खाला जान और नागदा वाले खालू जी और खाला जान को सभी को डॉक्टर महजाद आलम की तरफ से बड़ी मुबारकबाद। ये डॉक्टर महजाद आलम ने एक तरीके से बड़ी तकलीफ़ और बड़ी कोशिश के साथ में उन्होंने ये MBBS का कोर्स पूरा किया है। अल्लाह का बहुत बड़ा रहम रहा है इनके ऊपर कि इन्होंने
ये पूरा का पूरा सफ़र बहुत सुकून से तय कर दिया। चार बच्चे एक साथ गए और चारों बच्चे एक साथ आए। मैं डॉक्टर महजाद आलम का पापा मोहम्मद रियाज भी आप सभी हजरात से ये गुजारिश कर रहा है कि बच्चे के हक़ के अंदर बढ़िया दुआएं करना, ताकि बच्चे का मुस्तकबिल और बच्चे का हाल बड़ा बेहतर रहे। मैं प्रेजेंट और फ्यूचर बच्चे का बहुत बेहतर रहे, आगे भी इनके साथ में और बेहतर होगा, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई अपने हिसाब से बड़ा ही बेहतर तरीके से करी है। बांग्लादेश से MBBS करके आए हैं और अल्लाह की मेहरबानी हुई है, अल्लाह के भरोसे ही ये गया है और वही इसको आगे भी बेहतर रास्ता दिखाएगा। हम तो अर्श के राही के कंबल के पीछे कंबल का दामन पकड़ लिया है, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आशिक रसूल बन गए हैं। और एक अदना किस्म के आशिक रसूल की यही दुआ है कि बच्चे बड़े बेहतर तरीके से आगे मुस्तकबिल में उन्नति करें, डेवलपमेंट करें। मैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब से भी गुजारिश करूंगा कि भाई साहब आप भी बच्चे के हक़ के अंदर दुआ फरमाना और बच्चा बेहतर तरीके से आगे इस तरह का मुकाम हासिल करे। बहनें ज़ेबा परवीन और शिवा परवीन दोनों भी बड़ी बहनें, और माँ रोशन आरा और मैं मोहम्मद रियाज और चाचा चाची वगैरह सभी वो बच्चे के हक़ में बहुत दुआ कर रहे हैं। और बच्चा आगे आने वाली MCI के अंदर भी इंशाल्लाह पास होगा और हमेशा हमेशा बच्चा खुश रहे, आबाद रहे, यार इसी की दिली तमन्ना है। और इन्हीं लफ्ज़ों की हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमेशा हमेशा बच्चा खुश रहे, आगे कामयाबी हासिल करे। हनीफ मामू साहब का, हनीफ भाई का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चे के जो मामू हैं हनीफ साहब, उन्होंने बड़ा वक्त वक्त पर वो पूछते रहते हैं। गुड्डू मामू साहब और पिंटू मामू साहब भी पूछते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ़ से अजीज़।